हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। और आप लोग कैसे हैं? तो आज़ादी का 75वीं वर्षगांठ आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और हम भी तैयार आज इंडिपेंडेंस डे पे अपनी राइड के लिए। झंडा लगाया है साइकिल के आगे। सुबह तकरीबन 5 बजे हैं और शहर का एक राउंड मारेंगे और आपको दिखाएंगे कैसी सजावट है, कैसी लाइटिंग हो रखी है आज शहर भर में। चलिए चलते हैं। मंदिर अभी खुला नहीं हमारे कॉलोनी का, कोई नहीं, हल्का लेट है बट स्टिल अभी डार्क है तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। लाइट्स वगैरह लगा ली थी और अभी चलते चलते क्या हुआ यार, वो झंडे का डंडा निकल गया तो हमने डंडा छोड़ दिया और सिर्फ झंडा झंडा ले लिया। तो गाइस पहले कलेक्ट्रेट, और ये देखो कितना सुंदर यार सजाया हुआ है सुबह सुबह, ब्यूटीफुल, मज़ा ही आ गया यार इसे देख के। तो फिर आगे हर चौराया, मतलब हर चौराहे को सजा रखा है यार सीरियसली, मतलब ऐसा सेलिब्रेशन ना तो अलग ही जान फूंक देता है। और देखो हर पोल के ऊपर ट्राई कलर बनाया हुआ है और ये तो पूरा एक मतलब चौक ही है जिसको सजाया हुआ है। और उस साइड में आप देख रहे होंगे वेव कर रहा है कोई फ्लैग, तो वो 72 आवर्स के लिए ऐसा लगाया गया है कि 13 से 15 अगस्त तक कोई ना कोई झंडे को वेव करता रहेगा। तो सही में पूरे शहर को यार बहुत ही सुंदर सजा रखा है लाइट्स वगैरह से। दिन में अलग टाइप की सुंदरता है लेकिन ये जो पिलर्स के ऊपर ट्राई कलर लगाए हैं यार, ये सही में बहुत ही सही लग रहा है। चलिए चलते हैं आगे और आपको दिखाएंगे क्या हो रहा है शहर में सुबह सुबह आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर। चलिए, चंदा मामा भी बढ़िया चमक रहे हैं। अभी पूर्णिमा हो चुकी है, ये चंदा मामा को देख के लग रहा है। देखिए ब्रिज के ऊपर भी यार बहुत ही सही लाइटिंग कर दी है। तो चलिए फिर आगे चलते हैं, हाईवे की तरफ जा रहे हैं वैसे तो, लेकिन सामने मुझे एक और चौराहा दिख रहा है जो बहुत ही सही सजा रखा है, तो उसका भी एक राउंड मारेंगे और आपको दिखाएंगे कैसी लाइटिंग है। लेकिन सीरियसली आज़ादी का अमृत महोत्सव ऐसा ही होना चाहिए। और शायद अभी थोड़ी देर में जब दिन हो जाएगा तो हर घर तिरंगा का भी आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देंगे, क्योंकि मैंने तो कल शाम में देखा था तो ऑलमोस्ट सारे घरों के ऊपर तिरंगा लगा हुआ था, हर बिल्डिंग के ऊपर बेसिकली। और देखो यार ये वाला जो वो है चौराहा है, ये भी कितना सही सजा रखा है यार। और देखो पहली किरण सूरज की आ गई है, हम भी हाईवे पे पहुंच गए हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, एक दो रील्स बनाएंगे अपनी भी तिरंगे के साथ। बस ये अपर गंगा कैनाल है जिसको हम क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद सीधा हाईवे, और हाईवे पे अभी हम पहुंच गए हैं हमारी राइड। हेलमेट भी आपने ऑब्जर्व किया होगा आज पहली बार वीडियो में हमारे सर के ऊपर, कोई नहीं हेलमेट के बारे में बाद में बात कर लेंगे, आज सेलिब्रेशन का अलग दिन है तो उसको उसी हिसाब से रखते हैं। एक अलग ही जोश और उमंग मतलब फील हो रहा है आज साइकिलिंग करने में भी ना, बिल्कुल थकावट नहीं, बिल्कुल मतलब अलग सा ही फील हो रहा है। और वो जो तिरंगा हमारा है जो हर जगह दिख रहा है ना, मतलब अभी दिन में, वो सीरियसली जो आज़ादी है उसका मतलब समझा रहा है। तो गाइस बस अभी छोटा सा हाईवे का राउंड मारेंगे और फिर वापस शहर की तरफ जाएंगे, जहाँ आपको अलग अलग जगह लगे हुए तिरंगों का व्यू दिखाएंगे। ये जो वाइट पट्टी खींची हुई है ना यार, इस पर राइड करने में बड़ा मज़ा आता है। इस पर क्या फ्रिक्शन कम होता है तो जोर कम लगाना पड़ता है और साइकिल की स्पीड अच्छी रहती मेंटेन हो जाती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसी पे राइड करूँ, कई बार ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है कि थोड़ी दिक्कत होती है यार मेंटेन करने पे, बट स्टिल कुछ अलग अलग एंगल से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ फ़िलहाल तो मैं। हाँ थोड़ी हिल रही है अभी वीडियो ना, अभी उतनी स्टेबल या स्टिल आ नहीं रही है, कोई नहीं, प्रैक्टिस करते रहेंगे और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको दिखाते रहेंगे।
हाईवे अपना बढ़िया बना हुआ है, बिल्कुल टोल काटा है, वैसी कोई दिक्कत भी नहीं है। मैं हाईवे के साइड में आ गया था अपने तिरंगे को लेके। तिरंगे की सही में शान निराली है। चलिए आगे चलते हैं, दिन तो निकल आया है तो अब तो ऐसी कोई दिक्कत दिक्कत है नहीं राइडिंग में। वैसे जब से लाइट लगाई है साइकिल में तब से तो यार वो लाइट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अंधेरे अंधेरे में भी इतनी दिक्कत रहती नहीं है। अब तो हेलमेट ख़रीद लिया है, हेलमेट के पीछे भी एक एक्चुअली इंडिकेटर या कह लो रेड लाइट है जो आपको दिख रहा होगा ना, तो वो क्या है वो पीछे के लोगों को इंडिकेट करने के लिए, आगे वाइट लाइट है ही साइकिल में, तो पूरा कंप्लीट सेट हो गया है इससे। तो मुझे तो बड़ा ये सही लग रहा है। और खेत एकदम ग्रीन, सुबह सुबह हल्के बादल आसमान में, धूप निकली नहीं है, टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, तो मज़ा खूब आ रहा है, खूब ही मज़ा आ रहा है, खूब ही। और आज 15 अगस्त को अलग ही आनंद से हम राइड करते हुए, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पर राइड करने में अलग अलग मतलब फीलिंग अलग आती है, एक्सपीरियंस अलग होता है, थोड़ा टेरेन अलग होता है, रोड्स अलग होते हैं, तो वो एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। तो मैं अब कोशिश यही करता हूँ कि मतलब नॉट रेगुलरली बट हाँ कभी कभी जो है ना थोड़ा अलग अलग टेरेन पे जाके जो है राइड की जाए। और भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं अलग अलग टेरेन पे जाऊँ और वहाँ जाके जब राइड करूँ वो आपको रिकॉर्ड करके दिखाऊँ। अब तो साइकिलिंग की स्पीड भी काफ़ी अच्छी आने लगी है, ये देखो आपको दिख ही रहा होगा। क्या है कि जब रोड्स अच्छे होते हैं तो चलाने का मन होता है तो फिर फील पूरा आता है। चलिए बस अब थोड़ी देर में शहर की तरफ निकलेंगे। ऑलमोस्ट 12-15 किलोमीटर की राइड हो गई होगी हमारी अभी तक, छोटा सा डिस्टेंस और ट्रैवल करेंगे और फिर घर की तरफ वापसी। आज ज़्यादा करने का इसलिए मन नहीं है क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं और सामान भी ज़्यादा है आज मेरे पास, तो अगर बारिश हो गई तो दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे अपन जो है कोशिश यही करेंगे कि जल्दी से अपनी राइड ख़त्म करें और वापस घर की तरफ बढ़े चलें, क्योंकि क्या है ना कि अगर बारिश होगी तो लाइट वगैरह फ़ोन वगैरह वो सब में थोड़ी दिक्कत रहती है। चलिए एक बार अपने अभी साइकिल के ब्रेक्स ट्राई आउट करेंगे। आगे तो वैसे डिस्क ब्रेक हैं लेकिन पीछे नॉर्मल वाले ब्रेक्स हैं, तो मुझे एक्चुअली पीछे वाले ट्राई आउट करने थे कैसा परफॉर्म करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया यूज़ करते हुए, तो मेरे हिसाब से तो वैसे ठीक ही लगे यार, मुझे तो ऐसी कोई दिक्कत लगी नहीं अभी ब्रेक्स में, तो होपफुली अभी चल जाएंगे कुछ समय के लिए। और यहाँ कुछ 2-4 रील बनाने के बाद बस अब निकलने का समय आ गया है। चलिए अभी हम जाएंगे अपर गंगा कैनाल के पास, वहाँ एक तो फोटोग्राफ्स लेंगे अपने ट्रैकलर के साथ और फिर आगे प्रस्थान करेंगे शहर की तरफ। ये तो यार बचपन से मैंने देखा इसी स्पीड से ये रिवर फ्लो होती रहती है, पता नहीं कहाँ से इतना पानी आता है। और ये हम तिरंगे के साथ अपना फोटो खुद ही क्लिक किया हमने। चलिए चलते हैं अब यहाँ से, बट यार यहाँ पे बंदर बहुत सारे हैं, सीरियसली यार बहुत ही ज़्यादा बंदर हैं। और देखो वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि कितने ज़्यादा इधर बंदर वगैरह हैं। ये देखो सब बैठे हैं यार लाइन से, मुझे सही में बहुत ही डर लगता है यार इनसे, एक आध बच्चे पट गए ना तो सब हिसाब बराबर कर देंगे। और ये जो अपर गंगा कैनाल है इसके बगल में मतलब इसके राइट साइड में एक और नहर है वो ये वाली है, एंड आई डोंट नो इसको क्यों बनाया गया था लेकिन अभी तो पूरी फुल चलती है ये भी, और यहाँ भी बंदर महाराज के दर्शन हो गए। चलिए शहर की तरफ जा रहे हैं, देखो कुछ कुछ जगह पे शायद तिरंगा लगे होंगे तो वही दिखाने की आपको कोशिश करूँगा मैं भी, कि मतलब लोगों के अंदर कितना
अपने देश के लिए, अपने तेलंगाना के लिए। एक तो ये लगा हुआ है, शॉप बंद है, और ये देखो सूरज भी निकलने की कोशिश कर रहा है, पूरा रेड हो गया है जहाँ से निकलना है, अभी निकला नहीं है लेकिन। और मैं मतलब कैमरे में तुम ना देखो एक इधर लग रहा है, कैमरे में क्या है कि ये देखो एक ये बिल्डिंग भी सज रही है, कैमरे में क्या है कि ये सब चीज़ें ना कैप्चर बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रही क्योंकि कहीं छोटे हैं, अभी थोड़ी हवा भी नहीं चल रही इसलिए वो वेव भी नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उतने ज़्यादा दिख भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे देखो पानी की टंकी के ऊपर भी यार किसी ने पता नहीं 4-5 फ्लैग लगा रखे हैं, और घर के ऊपर तो है ही। और मतलब मैं यहाँ ब्रिज से देख पा रहा हूँ ना दूर दूर तक शहर में, तो दूर दूर तक यार मुझे फ्लैग ही फ्लैग दिख रहे हैं, तो बहुत ही सही फीलिंग है यार ये देख के। मतलब लोग सीरियसली कितने अच्छे से अपना 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, मज़ा आ गया देख के सुबह सुबह राइड करके और भी ज़्यादा। तो अभी एक बार सब्जी मंडी की तरफ आ जाएंगे, वहाँ देखेंगे क्या व्यवस्था है, और उसके बाद घर की तरफ जाएंगे। तो हम पुल से उतर रहे हैं, तो एक स्लो मोशन में एक हल्की सी वीडियो बनाई क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा आती है जब नीचे उतरूँ ना ब्रिज से। तो बस अब हम पहुँच गए सब्जी मंडी, भैया फ्रूट्स फ्रूट्स का बड़ा बढ़िया दुकान लग गई है। और यहाँ देखो आपको दिखाता हूँ मैं, देखो भैया की दुकान के ऊपर ही लगा हुआ है, और दूर तक आप देखोगे ना तो जगह 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 झंडे लगे हुए हैं, हर शॉप के ऊपर, गाड़ियों पे, मंदिरों पे, हर जगह पे, मतलब बहुत ही सही है। तो गाइस आज की वीडियो हम यहीं क्लोज डाउन करते हैं, और आपको 75th इंडिपेंडेंस डे बहुत बहुत मुबारक हो। कीप लाइकिंग द वीडियोज़, बाय।